वेलकम बैक। तो जैसे कि हम लोगों ने पावर पॉइंट की सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप को देखा था, आज हम लोग होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपके चार ऑप्शंस हैं, न्यू स्लाइड, लेआउट, रिसेट एंड सेक्शन। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने एक स्लाइड बन के आ जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपके सामने एक और स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। और नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंट्रोल एम मंकी, ठीक है। कंट्रोल एम से नया प्रेजेंटेशन ओपन होता है, लेकिन कंट्रोल एम से उस करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट होती है, ठीक है। तो कंट्रोल एम करेंगे तब देखिए एक नई स्लाइड और इंसर्ट हो गई, अब आपकी टोटल प्रेजेंटेशन में तीन स्लाइड हो गई, ठीक है। अब देखिए जो पहली स्लाइड थी उसमें केवल आपका एड टाइटल और सब टाइटल आ रहा था, जो आपकी बाद की जो दो स्लाइड्स आई हैं उसमें एड टाइटल और एड टेक्स्ट करने के लिए लिख के आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड, अब आप जब तक इसका लेआउट नहीं चेंज करेंगे और जितनी बार आप इंसर्ट करेंगे ये सेम लेआउट आता रहेगा, ठीक है। इन केस अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, जो स्लाइड आपने ऑलरेडी इंसर्ट कर रखी है, तो आप लेआउट ऑप्शन में जाएंगे और जिस भी स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहें कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्लैंक करना चाहें ब्लैंक, ताकि आप अपने हिसाब से अपनी पूरी स्लाइड को डिजाइन कर सकें, ठीक है। अगर आपको केवल टाइटल चाहिए तो आप टाइटल कर सकते हैं, आपको अगर सेक्शन हेडर चाहिए तो आप सेक्शन हेडर कर सकते हैं, अगर आपको टाइटल के साथ कंटेंट करना है तो वो आपकी ये स्लाइड है ही, है ना। अगर आपको केवल टाइटल स्लाइड रखनी है तो आप यहाँ पे टाइटल स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कंटेंट के साथ कैप्शन देना चाहें तो आप ये वाला लेआउट ले सकते हैं, पिक्चर विद कैप्शन, है ना। पिक्चर के साथ आप कैप्शन लगाना चाहें तो आप ये वाला लेआउट ले सकते हैं। अगर आप टू कंटेंट्स लेना चाहते हैं तो आप ये वाला लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर दो चीज़ों में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप ये वाला लेआउट ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लेआउट चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखाने लगेगा, ठीक है। फिर अगर आपको गलत लगता है तो आप फिर से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी करना है आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक रखना है तो आप यहाँ से ब्लैंक चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी लेआउट लेना चाहें ले सकते हैं। पिक्चर विद कैप्शन कर देंगे तो देखिए पिक्चर भी लगा सकते हैं और उसका कैप्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब सपोज आपने ये वाला लेआउट सेलेक्ट कर लिया, अब आप कंट्रोल एम करते हैं या न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो देखिए यही सेम लेआउट आपको फिर से आने लगेगा, ठीक है। यानी कि अब आपका यही लेआउट चल रहा है ना। आप फिर से लेआउट चेंज कर दीजिए, आपने क्या करा टाइटल स्लाइड ले ली मान लीजिए, ठीक है। अब आप जब कंट्रोल एम करेंगे तो देखिए आपको दोबारा टाइटल स्लाइड इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अगर इसके अलावा कोई लेआउट लेते हैं, सपोज आपने कंपैरिजन वाला लेआउट ले लिया और आप कंट्रोल एम करते हैं, नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं, वो सेम लेआउट चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई, आप जब स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं देन आप उसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आपको पहले से आपने प्री प्लान कर रखा है कि हमें इस स्लाइड का ये लेआउट रखना है, यानी कि न्यू स्लाइड इंसर्ट करते समय ही, तब आप क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन पर ऊपर नहीं क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन देख रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। देखिए इसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है कंट्रोल एम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करने से पहले वही लेआउट वाला सेक्शन दिखाने लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पहले से ही लेआउट तैयार कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। आप ब्लैंक चाहते हैं आप ब्लैंक ले लीजिए, है ना, जैसा भी लेआउट चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर इंसर्ट करने से पहले ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आप यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। होम टैब स्लाइड्स ग्रुप, ठीक है। सपोज आपने ये ले लिया, अब आप न्यू स्लाइड पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, यानी कि आप इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो देखिए उसी की डुप्लीकेट स्लाइड बन गई, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए न्यू स्लाइड इंसर्ट करने से पहले ही आप, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आप यहाँ से इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज आप यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और उस पर आप टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पे लिख लिया इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और अब आपने यहाँ पे लिख लिया कीबोर्ड, यहाँ पे लिख लिया माउस, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने लिख लिया यहाँ पर आउटपुट डिवाइस डिवाइसेस, ठीक है।
यहाँ पर आपने लिख लिया मॉनिटर, यहाँ पर लिख लिया आपने प्रिंटर, ठीक है, और इस फाइल को सेव कर लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नाम से, ठीक है। अभी आपकी फाइल बनके तैयार हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, आप आउटलाइन पर गए और यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर गए और आई प्रेस करा, तो देखिए इनपुट आउटपुट टेक्स्ट फाइल बनाई थी आपने, आपने उसको इंसर्ट कर लिया। तो देखिए जो भी आपने आउटलाइन ली थी, ये इनपुट डिवाइसेस आ गई, ये देखिए कीबोर्ड आ गया, ये माउस आ गया, आउटपुट डिवाइसेस आ गई, मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया। इस तरीके से ये आपके सामने जो जो आउटलाइन आपने ली थी उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब अगर आप क्या करते हैं, ये आपके बॉक्सेस हैं, ठीक है, सपोज आप क्या करते हैं, इसको इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, किसी को इधर, किसी को कहीं आप कर देते हैं, ठीक है, ऐसी इस तरीके से आपने इसको भी इधर उधर शिफ्ट कर दिया, और अब आपको लगा कि ये तो गलत हो गया, आप वैसा ही इसका लेआउट रखना चाहते हैं, तो आप रिसेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये फिर एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा, है ना, तो ये आपका रिसेट ऑप्शन है। इसी तरीके से देखिए, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को सेक्शन में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तब भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन स्लाइड हैं, इनको एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ऐड सेक्शन, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सेक्शन का नाम लिख दिया, राइट क्लिक करा, रिनेम सेक्शन कर दिया, यहाँ पर लिख दिया सेक्शन वन, या जो भी आप रखना चाहें, रिनेम कर दिया सेक्शन वन, ठीक है। फिर आप तीन स्लाइड के बाद चौथी स्लाइड पे गए, आपने फिर से यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करा लिया, ठीक है, फिर आपने इसका नाम रिनेम कर लिया, सेक्शन टू कर दिया, ठीक है। मान लीजिए अब आप सेवन स्लाइड पर आए, यहाँ पर आपने फिर से एक सेक्शन डिवाइड कर लिया, रिनेम कर लिया, सेक्शन थ्री कर लिया इसको, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास तीन सेक्शन हो गए, सेक्शन वन, सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री, है ना, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए आप चाहें तो इन सबको कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए कोलैप्स हो गए, एक्सपेंड करना चाहें सबको तो एक्सपेंड ऑल कर सकते हैं, एक्सपेंड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको स्लाइड्स ग्रुप समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।